दोस्तों, फिर से आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ बोले हुए। आज तो फाइनल दोस्तों, हम अभी हम पहुंच चुके हैं सरकारी अस्पताल के सामने है। ये जो कल बारिश हुआ था, पानी उसका जमा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब फिर से एक बार हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज बारिश हो रही थी, सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी झमाझम बारिश हो रही है। अब बारिश हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे इलाका में, हमारे क्षेत्र में आ चुका है। मौसम ये देख सकते हैं कितनी उफाओ, कितनी तेज हवा के साथ बारिश आई है। मतलब गर्म जो था, गर्मी जो लग रही थी, वो अब बहुत हद तक कम हो जाएगी। देख सकते हैं कितनी तेज हवा भी चल रही है, कितनी तेज बारिश भी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो सोचा कि मैं भी आप सबको भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं अपनी जो एक झम मतलब लगा हुआ है, वो कितनी तेज आप ये जो पौधा का मतलब डलिया वगैरह है डाल, वो तो कितना तेज़ी से ही मतलब झूला झूल रहा है। इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कितनी तेज ये देखिए झमाझम झमाझम बारिश भी हो रही है। मतलब तो दोस्तों चलिए फिर आप सबको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कितनी सारी पानी जमा पड़ा है, लेकिन दुकान एक भी नहीं खुला है। तो मुझे भी काम था, तो ऐसे तो घूमना नहीं चाहिए। तो मुझे काम था कि एक्चुअली दवाई लेना था, दवाई दुकान से मैं अभी दवाई लेकर जा रहा। तो सोचा कि आप सबको महनार का हल दिखाता चलूं कि अभी दुकान उतना नहीं खुलता है। तो कृपया भी मतलब कि ना मार्केट आएँ, चाहे जैसे कि आपको उस ज़रूरत के सामान है, जो समय से आपको दुकान खुलने का जो समय है, आप उस समय आकर आप अपना जरूरत का सामान लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सारी की सारी बंद पड़ी है। एटीएम ओटीएम मतलब जैसे पैसा की जरूरत होती है सामान खरीदने के लिए, तो एटीएम खुला है, लेकिन आप अपना सेफ्टी से आइए और फालतू का ना घूमें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज़ अगर सही कारण से सही नियम लगाया जाता है, तो उसको अच्छी तरह से नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी है, आप तो लोगों को देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा फैल रहा है। तो इसको हम लोगों को रोक, हम मतलब इसको कोई और नहीं रोक सकता है, हम ही और आप उस लोग मिलकर उसको इसको वायरस को रोक सकते हैं फैलने से। तो कृपया फालतू के भी मतलब के ना घूमें, और जो ये जो लॉकडाउन है इसमें सहूलियत दें, ताकि ज़्यादा भी पुलिस के जो हमारे जो सुरक्षा के लिए है उनको भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों जैसे कि देखिए गाड़ी वगैरह भी मतलब उतना नहीं चल रही है, बहुत अच्छी बात है, पूरा रोड खाली है। लेकिन मैं पुलिस उनसे भी कुछ कहना चाहूँगा कि प्लीज मारने से पहले आप पूछ लीजिए कि वो किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मतलब पुलिस जी से कुछ कहना है कि मतलब कभी कभी तो ये होता है कि बिना पूछे ही ऐसे, हाँ चलिए ठीक है, मानता हूँ कि जब वो इस समय मतलब जो समय है उसके बाद नहीं निकलना, उसके बाद बावजूद भी निकलता है तो वो गैरकानूनी है, ठीक है मानते हैं। लेकिन कम से कम एक बार पूछ लिया कीजिए कि हाँ आखिर क्या बात है, किस लिए हैं। और आप लोग तो भी मतलब ऐसा बात नहीं कि पहचानते ही हैं कि हाँ ये मतलब मनचला है कि क्या है, ठीक है पहचानते हैं सही है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि हर जो लॉट ही समय के बाद में निकला है वो मनचला ही है। हो सकता है कुछ ज़रूरी इमरजेंसी, तो कृपया करके आप से निवेदन है कि बिना कहे हुए या बिना पूछे हुए कृपया लाठीचार्ज ना करें। तो देखिए सड़क पर मतलब गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, मतलब जैसे नॉर्मल के दिन जैसा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लग रही है। कृपया ऐसे ही मतलब घर पर रहें, आप अपने को स्वस्थ मतलब सेफ रखें, स्वच्छ रहें, और हमेशा जो खान पान पर है उसका ध्यान रखिए।
और कम से कम घर से बाहर मतलब बिना फालतू का भी ना निकले, क्योंकि दोस्तों जब ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगी तो वैसे ही घूमना तो पड़ा ही लगा रहेगा, लेकिन अब भी ना निकले बहुत ही अच्छी बात रहेगी। दोस्तों सामने से एक लड़का की शादी वाली गाड़ी आ रही है, तो मुझे ये कहना है कि शादी करने से तभी एक फ़ायदा भी है, ये देखिए शादी करने से तभी एक फ़ायदा भी है और घाटा भी है। फ़ायदा ये है कि मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है बैंड वगैरह बाजा गाड़ी ये सब अभी नहीं लगेगा, जय माता दी। तो और घाटा ये है कि जो रिश्तेदार चाहे दोस्त वगैरह जो साथ में जाएंगे डांस करेंगे अपना मस्ती के लिए तो वो सब नहीं हो सकता है। कम से कम शादी हो रही है यही बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों शादी में तो कम से कम 15-20 आदमी तो जाते ही हैं, तो वो यही बड़ी बात है। तो अपना सेफ्टी से ही शादी होती है, तो 15-20 आदमी तो खैर वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5-6-10 तो अपने ही आदमी रहते हैं, भैया दीदी मतलब भाई बहन मम्मी पापा चाची मिलाकर तो सब 10 तो ऐसे ही हो जाते हैं 10-12, और यही 5-6 एक्स्ट्रा जो होते हैं मौसा मौसी फूआ मामू, मतलब बिना मामू को तो शादी होता ही नहीं है। मुझे तो पता नहीं हर जगह का, लेकिन जहाँ तक मुझे ख्याल है कि बिना मामू को तो शादी होता ही नहीं है। मामू बहुत जरूरी होते हैं, वो मतलब जैसा भी मामू मामू जरूरी लगता ही है, मामू मतलब मामा जी, हाँ हम लोग मामू बोलते हैं। तो अब मामा जी उन लोगों को बोला जाता है, तो मामा जी मतलब कुछ भी वगैरह होता है मामा जी करते हैं। तो फाइन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी अच्छी लगती है। और ये देखिए अब पहुंच चुके हैं हम लोग गंज चौक पर, यहाँ भी एक तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी माना के मामले में गाड़ी एक दो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी पूरी की पूरी दुकान बंद पड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।